आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो त्रिदेव। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के प्रेम व्यवहार के बारे में, यानी कि लिब्रा वाले रोमांस में कैसे होते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम पहले जानेंगे तुला वालों का व्यक्तित्व, फिर ये जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए प्यार का मतलब क्या होता है, और फिर एंड में हम जानेंगे कि वो प्यार में जब होते हैं तो आचरण कैसा करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं तुला राशि वालों के व्यक्तित्व से। दोस्तों, जो तुला राशि है उसका चिन्ह होता है तराजू, और तराजू जो है संतुलन का प्रतीक होती है। तुला राशि के जातकों को ये अच्छे से पता होता है, अच्छा बुरा, सफ़ेद काला, अमीर गरीब, और ज़िंदगी के जो सभी अनुभव होते हैं, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो ज़िंदगी को बनाते हैं। यानी कि ज़िंदगी जीने में उन सब चीज़ों का साथ होता है, यानी कि उन चीज़ों का शामिल होना होता है, तभी जो है ज़िंदगी एक तरह से पूरी, ज़िंदगी का जो सर्कल होता है वो पूरा होता है। ये बात जो है तुला राशि वालों को अच्छे से पता होती है, और इसीलिए वो ज़िंदगी में एक संतुलन चाहते हैं, और वे जानते हैं कि ज़िंदगी इस पार या उस पार नहीं होती बल्कि मध्य में होती है, अर्थात संतुलन ही जीवन का सच्चा अर्थ है। ये जो है तुला राशि वाले अच्छे से पहचानते हैं। ये जीवन को जो है बड़े, यानी कि लार्ज प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, बड़े एंगल से देखते हैं, और इसमें परिवार, समाज आदि सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ये बहुत तर्कशील और बुद्धिमान होते हैं, और सिक्के के दोनों पहलुओं को ढंग से आकलन करने में, समझने में ये सक्षम होते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं वो अपने गुणों का प्रयोग करना जानते हैं। ये नेतृत्वशील होते हैं, यानी कि लीडर होते हैं, और दूसरों को पता ही नहीं चलने देते कि ये उनको चला रहे हैं, यानी कि उनको लीड कर रहे हैं। ये संवेदनशील तो होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि व्यवहारिक होते हैं, और भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। ये इनकी जो है खासियत होती है, कला होती है। तुला राशि के लिए जो प्यार है वो जो है बड़ा ही अलग एंगल का होता है। समरसता और बुद्धि का मेल एक अनुपात में रिश्तों को एक खुशनुमा एहसास देता है, ये प्यार में अच्छे से जानते हैं। तुला राशि के सम्मित और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में प्यार और सुंदरता एक दूसरे में समायोजित चीज़ हैं, यानी कि इनको जो है सुंदर साथी चाहिए होता है, और सुंदरता के साथ साथ बहुत अच्छे से प्यार करने वाला चाहिए होता है। शुक्र तुला राशि का स्वामी ग्रह होने की वजह से इनमें समरूपता और समरसता का जन्मजात गुण होता है। यह बात तुला राशि के जातकों के लिए समस्या का कारण भी बन जाती है, क्योंकि ये प्यार की गहराई को समझ नहीं पाते। ये ऊपर ऊपर रह जाते हैं, पर प्यार की गहराई में उतरने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। ये अपने प्यार को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ में पूरी तरह से संतुलित जीवन साथी चाहते हैं। आकर्षक और सुरुचिपूर्ण तुला राशि के लोगों को शायद ही कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता हो। वो अपने प्रशंसक और प्यार ढूंढने में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, जिससे होता ही है कि जो इनके साथ होता है वो इंतज़ार करते करते थक जाता है और निराश हो जाता है। पर तुला राशि के जातकों को यह पता होता है कि उन्हें प्यार तो हो ही जाएगा, और जो है वो दिन आएगा ही आएगा। तो ये जो है ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, और जब तक इनको एक संतुलित जीवन साथी नहीं मिल जाता, संतुलित लव मेट नहीं मिल जाता, तब तक इनकी ये खोज चलती रहती है। अब जब ये प्रेम में होते हैं तो आचरण कैसा करते हैं? तुला राशि के जातक जो है आकर्षक, उदार, प्यारे, समर्पित और जो है बहुत अच्छे साथी साबित होते हैं। बहुत उद्देश्यपरक और निष्पक्ष तुला राशि के लोग हाँ बोलने में समय लगाते हैं, पर यदि इन्होंने एक बार अपना मन पक्का बना लिया तो फिर ये पीछे नहीं हटते हैं। ये अपने आकर्षण का प्रयोग जोड़ तोड़ करने में कर सकते हैं, यानी कि प्यार को पाने में, प्यार को खुश करने में अपने जो है आकर्षण का इस्तेमाल ये अच्छे से करते हैं। ये अपने साथी के निर्णय और खुशी के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। ये अच्छे से समझते हैं उनको कि उनके लव मेट को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि अपने साथी को, लव मेट को खुश रखें। ये ज़िंदगी को सुंदर और धनी बनाने के लिए कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, पर जल्द ही ये अपने जीवन साथी की चेतावनी पर धरती पर वापस भी आ जाते हैं।
या इनका जो लव मेट होता है जब इनको डांटता है तो तुरंत एकदम जो है बैक टू पवेलियन हो जाते हैं और सही चलने लगते हैं। विनम्र, मिलनसार और सामाजिक प्राणी तुला राशि के जातक हमेशा अपनी उपस्थिति जताना चाहते हैं, जो कभी कभी उनके साथी को हैरानी भी डाल देता है, क्योंकि ये हर चीज़ में अपना कुछ ना कुछ जो है इनपुट चाहते हैं। ये हर बात में जो है अपने आप को थोड़ा सा आगे रखना चाहते हैं, हर चीज़ में अपने आप को हल्का सा श्रेय देना चाहते हैं, जो कभी कभी जो है इनके लव मेट को हैरानी और परेशानी में डाल देता है। तो ये थी आप जो है तुला राशि वालों के प्रेम आचरण की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये राशि यानी कि तुला राशि ये प्यार में कुछ सबक देती है और इनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी चाहिए प्यार में, जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं कि तुला राशि वाले प्यार में दूसरों को क्या सिखा सकते हैं। पहली चीज़, संपूर्णता, सुंदरता और संतुलन को समझने की क्षमता, ये जो है तुला राशि वालों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो ये दूसरी राशि वालों को सिखा सकते हैं और दूसरों को इनसे ये बात सीखनी भी चाहिए। अब बात करते हैं कि प्यार में सीखने वाले सबक या बातें क्या हैं जो तुला राशि वालों को जाननी चाहिए, ताकि उनका जो प्यार है वो बहुत रिलेशनशिप जो है प्यार के वो अच्छे से चले। पहली चीज जो उनको समझनी चाहिए, सुंदरता से प्यार हो सकता है पर सुंदरता जो है देखने वालों की आंखों में होती है। दिलों का मिलन दिखावे में नहीं बल्कि प्यार की गहराई में होता है। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो तुला राशि वालों को मेरे हिसाब से जानने चाहिए। पहली चीज तो ये कि खाली जो है शरीर की सुंदरता ये कतई नहीं दर्शा सकती कि वो आपका अच्छा लव मेट बन सकता है, क्योंकि सुंदरता जो होती है वो आंखों की होती है, प्रोस्पेक्टिव है। एक चीज़ किसी को सुंदर लग सकती है और दूसरे को नहीं भी लग सकती है। तो खाली जो है सुंदरता के ऊपर जा कर के अपना डिसीजन ना लें, और ये आप ज़रूर समझें कि दिलों का मिलन दिखावे में नहीं बल्कि प्यार की गहराई में होता है। ये बात जो है तुला राशि वालों को ज़रूर सीखनी चाहिए। इन दो बातों का अगर तुला राशि वाले ध्यान रखेंगे तो उनका जो है लव मेट जो मिलेगा, उनको जो जीवन साथी मिलेगा जिससे भी वो प्यार करना चाहेंगे, वो बहुत अच्छा मिलेगा, रिश्ता बहुत दिन तक चलेगा और ब्रेकअप की नौबत जो है वो तुला वालों के साथ नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों का प्रेम व्यवहार, कि वो रोमांस में लिब्रा वाले कैसा एक्ट करते हैं और क्या उनकी वो बातें हैं जो दूसरों को सिखाई जा सकती हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो तुला वालों को सीखनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।